और बदायूं में दो बच्चों की हत्या मामले में सिटी मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद में पुलिस ने वारदात के 3 घंटे के अंदर ही आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। डबल मर्डर में नामजद साजिद के भाई जावेद का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हैं। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 19 मार्च की शाम को मंडी समिति पुलिस चौकी के पास में बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार के 2 बेटों की चाकू से रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। बदायूं में कल हुए डबल मर्डर की वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल पुलिस ने शहर के माहौल को शांत कर दिया है। बदायूं में कानून व्यवस्था कायम है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये वही दो मासूम बच्चे हैं जिनकी हत्या की गई है। दूसरी तस्वीर है हत्याकांड के बाद की, जब लोगों में गुस्सा था, आगजनी की गई। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस परिवार की। कल न्यूज 18 ने दोनों बच्चों के घर वालों से भी बात की, उनकी माँ से भी बात की। और चौथी तस्वीर है आरोपी का जब एनकाउंटर किया गया। आरोपी साजिद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं छठी तस्वीर आप देखिए, ये वो आरोपी जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, साथ ही 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। बदायूं में दो बच्चों की हत्या का आरोपी साजिद की पत्नी का आज बयान आया। साजिद की पत्नी ने बताया कि वो 15 दिन से मायके में है और उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसने ये भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो गर्भवती नहीं है। साजिद की पत्नी ने बताया कि कल की घटना का उसे आज सुबह ही पता चला है। आपको बता दें कि साजिद को कल ही एनकाउंटर में ढेर किया गया। फिलहाल उसका भाई जावेद फरार है। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी, क्या बातचीत हुई? 8 दिन हो गए तब बात हुई। क्या बातचीत हुई? कुछ घर सल्ला पूछ रहे थे और क्या बात होती। बोल दो। तो आपको कब पता लगा ये बच्चों के बारे में, साजिद के बारे में कुछ जानकारी? सुबह पता लगा। उनका कहना है कि आप गर्भवती थी जो FIR में। क्या आप गर्भवती हैं? गर्भवती नहीं है। साजिद ने कहा 5,000 रुपए लेने गया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है आज, ऐसी कोई बात है ना? केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बदायूं की घटना को दुखद बताया। BL वर्मा ने कहा है कि आरोपी को सजा मिल चुकी है, अब इस पूरे मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। बल्कि जिन्होंने भी इस घटना को सुना है टेलीविजन के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना है, सभी लोग हतप्रभ हैं। लेकिन जो इस तरह का जिसने कृत्य किया, मुझे लगता है कि उसने बाहर जाकर के भी पुलिस के साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया, जिसमें उसे अपने करनी का दंड उसे मिल गया है, उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई ना फर्त होगी वो भी बिल्कुल खुलेगी और किसी भी कीमत पर जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना है और मिलेगा।